बड़ी ही अजीब बात बताई आप लोगों ने, पर मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ए, मैं चप्पल छिपा दूंगा। हाँ जी, बात तो एज मच एज इट साउंडिंग अजीब पर है ट्रू, सत्य बात है, यो ऐसा हो रहा है, वरना हम यहाँ क्यों आएंगे बताइए। और भी तो कई काम हो रहे हैं, यहाँ आपकी कोई छुपी हुई चप्पल निकालने तो आए ना है। आप हमें यो बताओ कि आपकी वो जो प्रिंटिंग प्रेस है बढ़िया वाली, इसमें जब कोई मटेरियल आवे, मतलब कोई पुस्तक का मटेरियल, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट, जो भी कहें, जब ऐसी स्क्रिप्ट आवे तो उसे छपवाने के लिए, मतलब छापने के लिए प्रेस तक, प्रिंटिंग प्रेस तक कौन लेके जावे, कौन है वो मेन आदमी? जहाँ तक मैडम किताब छपवाने का सवाल है, उसे तो रामू छपवाता है। ये मैं चप्पल छिपा दूंगा। हाँ तो जरा रामू को बुलाओ, हमें जरा पूछताछ करनी है। पूछताछ करनी है? अभी रामू को बुलवा देते हैं। हाँ रामू। हाँ एक मिनट के लिए, नहीं नहीं काम रोक दो, एक मिनट के लिए अंदर आओ, ठीक है? ओके। किधर? पता नहीं। क्वाइट मैनरलेस। हेलो सर, आपने बुलाया? रामू, ये लोग पुलिस से आए हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ये मैं चप्पल छिपा दूंगा। आप लोग आए हैं तो कम से कम चाय या कॉफी कुछ ना कुछ तो पियेंगे, बताइए क्या मंगवाऊं आपको मैं? नहीं नहीं देखिए हमें, नहीं नहीं ना करने, चाय तो पीनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बनाता है पप्पू, मैं बुलाता हूँ। एक सेकंड। ना 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 ना। हाँ पप्पू, कॉफी बना रहे हो? नहीं नहीं चाय लेके आओ कुछ अच्छी, कुछ लोग आए हैं ना मिलने। हाँ 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 ओके ले ले। सर 100 bucks से कि यो ही पप्पू बन के आएगा? नहीं नहीं ये पप्पू बन के क्यों आएगा? सर मारा भी कुछ एक्सपीरियंस है सर, 9 साल से मैं भी देख रही हूँ ना, एक से बढ़कर एक करेक्टर, मन ने पता है सर। पप्पू भी बन के ये आएगा? 100 bucks। चाय 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 चाय। पीजिए पीजिए, चाय पीजिए आप लोग। हम पागल दिख रहे हैं, तुम्हारी चाय पियेंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी चाय बनाई तुमने, अदरक इलायची इकट्ठा पेल दी। यो बिना टिकट का शो हमें क्यों दिखा रहे हो जनाब? असल में मैडम बात ऐसी है कि इस ऑफिस में जो भी हूँ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही प्यून हूँ, मैं ही वो किताबें छपवाता हूँ, ऐसे ऐसे करके करीब 20-22 लोगों का हमारा स्टाफ है। 3 लोगों से तो आप लोग मिल चुके हैं, कहें तो बाकियों से मिलवाऊं? नहीं नहीं हमें किससे नहीं मिला, हम समझ गए, सारे स्टाफ से समझे मिल लिए हम। हमें सिर्फ इतना बताइए कि कोई अगर किताब छपवाने के लिए आता है तो उसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होती है, राइट? और किसी को कुछ पता नहीं होता है। मुझे पता होता है, बाकी एक वो रामू है, रामू को पता होता है, उससे मैं अभी पता करवाता हूँ। आप अबे रख फोन, रख तेरी रामू और तू रख रख, नाटक लगा रखा है। ऐसा है थारी ये प्रिंटिंग प्रेस है, किताबें छपती है ना यहाँ, और वो टामी पुचुक पुचुक की भी कई किताबें तैने छापी हैं। इब मारी बात सुन, इब थारे पास एक और किताब आएगी जो तैने छापनी है ना, किताब में के लिखा होगा, के मैटर है, क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है, और उस किताब का लेखक होगा टामी पुचुक पुचुक। इब छपेगी नहीं छपेगी बता? छप जाएगा मैडम, पर ये छपना छपाना तो होता रहेगा। मैं ये कह रहा था कि मेरी बहुत ही खूबसूरत सी सेक्रेटरी है सुनीता, उससे मिलके जाइए आप। क्या बात है, मिलाइए मिलाइए जल्दी मिलाइए। सर आर यू किडिंग मी, यू वांट टू मीट सुनीता? हम देखना चाहते हैं वो कैसे बनकर आता है, क्या करता है। सर आपके पास इतना फ्री टाइम है ना। सर
आपने मुझे बुलाया। सुनीत अच्छी नहीं, हम जा रहे। नहीं नहीं सर प्लीज, कहिए तो आपके हाथ पीला करवा दूं। सोचो सोचो जल्दी सोचो, आखिर ऐसा कौन सा घर चुना जाए जो घर भी असली हो, घर में रहने वाले लोग भी असली हो, कोई भी जो है पात्र काल्पनिक ना हो बल्कि रियल हो सब। अब क्या कर रही है मिश्राला, हमारी समझ में आ नहीं रहा है कुछ। आप फ्रेंकली आपका जो प्लान है ना ऊपर से जा रहा है हमारे। सर हमारा जो प्लान है ना वो इस किताब के रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो मैडम हम लोग भी टेलीफोन डायरेक्टरी में से कोई एड्रेस और नाम उठा लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो रियल हो और इस वक्त शहर में ना हो। वेल मॉम, मेरी एक भाभी जी दोस्त हैं जिनका नाम है शीला इज़दा, वो अपनी फैमिली के साथ गई है मनीला इज़दा। हे वाओ, ये हुई ना बात। तो बस फिर बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, तोड़ दो ताले भी और खोल दो राज भी। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा लिखने को तैयार हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं, मैं उस कहानी में क्या लिखूंगा ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता ना एकदम नहीं, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं एक चील की तरह हूं जो कब किसका शिकार करेगी उसे खुद को नहीं पता होता, क्योंकि मैं क्रैक हूं, सिंगल ट्रैक हूं। है जी, हीरोइन का नाम होगा शीला। यस, और शीला उस घर में अपने ब्रदर फादर मदर और अपने हस्बैंड के संग रहती है। ठीक है, और तुम्हारी उपन्यास का नाम होगा शीला की जवानी। हाउ चीप यार, शीला का परिवार। परिवार बिकेगी नहीं? देखो भाई सब बिकेगा क्योंकि यो फैमिली चैनल्स है और असली मजा सबके साथ आता है। हाँ, नहीं इधर 500 টাকা জি সব বইগুলো ঢেলেছো তো জি আরে সব বুকস লোক কো তুম ডালা হে না থেলা মে জি 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 হ্যাঁ ঠিক হে চলো থ্যাঙ্ক ইউ দাদা জি এক্সকিউজ মি ম্যাম হ্যাঁ এক নই কিতাব আই হে ইয়ে দেখিয়ে আপ ইসে পড়িয়ে বহুত আচ্ছি হে নতুন বুক শীলা কা পরিবার বাই রাইটার টমি पूछू पूछू ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दादा बाय, तुम्हारा शक्ल मिठुन से नहीं मिलता है। ये हाथ है लातों से करती बात है मैडम की तेज धार से बचता ना कोई वार से। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स भाई। हाँ कोई नहीं, अच्छा अच्छा, सैल्यूट एक्सेप्टेड। बैठ जा अंकल जी। ठीक है, ओए वाह क्या टीम दी है चुन के, एक से एक बढ़कर नवरत्न, बुजुर्ग सब, बुड्ढों की फौज। वो कहाँ है जगत बुढ़ाऊ और कैटमैन? मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? अबे थारे से ही पूछ रही हूँ। मैडम वो अभी तक आए नहीं है। और तुम आ गए हो, क्या बात है। कुछ नहीं कुछ नहीं, बेवकूफ मत बनाओ। आए आज आप आ गई बड़ी जल्दी इज़्ज़ता, हसीना है अगर तीखी मिर्ची है तो मैं हूं हल्दी इज़्ज़ता। मैं जल्दी आई हूं, मैं जल्दी ना आई
आप दोनों लेट हो गए हैं आज। वैसे कोई बात नहीं यार, इंसान हो कोई मशीन तो हो नहीं, है ना, कभी कभी लेट हो जावे। और आज तो मैं खुद जो है 15 मिनट लेट हो गई, और उसके बाद आप और ज्यादा मतलब लेट आए हैं। कोई नहीं, नेवर माइंड। पता है मैडम, जब जब आप इतने प्यार से बात करती है ना, तब तब अगले 3 दिनों तक सूजन भगाने वाला बाम लगाना पड़ता है हमको। तो जब सब पता ही है तो क्यों आ रहे हो इसे अपनी अम्मा का ससुराल समझ के इतना लेट? मॉम, आपने मुझे चौकी से निकाल दिया जी, बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं सारी रात सड़क पे गुजारी है जी, इसलिए लेट हो गया। डोंट गिव मी सॉब स्टोरीज। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं 2 कौड़ी का हूँ। ये सच है। Well, देश में सफाई अभियान शुरू हो गया है। देश को और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। Yes! इसलिए आप दोनों झाड़ू उठाएं हाथों में और सफाई शुरू करें। चलो चौकी चमकाओ। ये काम तो हम खुशी खुशी करेंगे, ये तो हमारा फर्ज है। प्लीज कैरी ऑन। अरे वाह, क्या बात है, सफाई अभियान चल रहा है मिस्टर चौटाला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड है, हम भी हाथ बढ़ाएंगे सफाई अभियान में। बाहर की सफाई बाद में करेंगे, फिलहाल चौकी की करेंगे। क्या है ना, वैसे भी महिलाओं को ऐसे ही पति पसंद है जो साफ सफाई में उनका हाथ बटाए। करेक्ट? ये हैं। ओह सर ईब, तो प्लीज आप जरा जो है ना क्लियर कर ही दीजिए, इतने कहाँ आप कहाँ पतियों में उठना बैठना हो रहा है, इतना कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? अरे हमने आपको बताया ना मिश्राला, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमने दूल्हे के लिए सूट और दुल्हन के लिए चनिया चोली सबकी शॉपिंग की है, तो इसे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। तो सफाई सब कर रहे हैं, तो हम भी जरा हाथ बटा रहे साफ सफाई में, हम भी जरा साफ सफाई कर लेते हैं। आपकी चेयर काफी गंदी लग रही है, तो आगे आगे ओपन जी, देखिए बिल्कुल चमका देंगे आपकी चेयर को। वाव। वाह यार, ओहो वाह, क्या कमाल का गुलदस्ता है यार, मुरारी लाल, आई लाइक दिस। लेकिन बहुत लंबा है, तुम दस्ता रखो या गोल मैं रखूंगा। देखो ये काला गुलाब जो है ये कश्मीर में मिलता है खाली, किसी को अगर बेवफाई का। सॉरी ब्रो, सॉरी। ये कुछ कुछ हुआ था क्या? अगर तू मेरा साला ना होता तो मेरे मुंह पे ताला ना होता। सर सर सर, बाल पहन लीजिए। जी जो, ये तो आपके बुरे कर्मों का नतीजा है कि मैं आपका साला हूँ और आप मेरे जीजा हैं। मिस्टर चौटाला, सर मैं ऑर्डर देता हूँ कि अभी इसी वक्त इसका एनकाउंटर कर दीजिए। सर प्यारे जीजू, प्यारे जीजू, सॉरी जीजू। कैंसल। हाँ मिस चौटाला। सर मिस, किताब वाले केस का क्या हुआ? आप तो कह रही थी कि बहुत जल्दी उससे पर्दा हटा देंगी, पर अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया। आएगा सर, सुनने में भी आएगा। राइटर से हमारी बात हो गई और स्पेशली मारे कहने पर उसने यो किताब लिखी है सर। गुड। शीला का परिवार। और सर आज शाम तक मैं शीला बनके उस घर में भी शिफ्ट हो जाऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। गुड, वेरी गुड। शराला, फैमिली में आपका हस्बैंड कौन बनेगा, मतलब शीला का हस्बैंड? सर मेरे ख्याल से आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं ना सर कोई। और सेकेंडली आपको फिर वो एक्सपीरियंस भी चल रहा है ना आपका, वो पतियों के बारे में आप काफी ट्रेंड है। बहुत अच्छा चल रहा है, हाई लेवल का जी। तो बस वही सर, तो आप हस्बैंड मटेरियल, इसलिए आप ही हस्बैंड। और ईब शुरू होगा कहानी का पहला
अध्याय चैप्टर वन। की हुलो? यूं तो शीला की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, एक औरत को और क्या चाहिए? प्यार करने वाला पति, साथ रहने वाले माँ बाप, भाई। लेकिन शीला को पता नहीं कि उसके खुशहाल जीवन पर किसी की नज़र लगने वाली है, और सबसे पहला शिकार बनने वाला है उसका भाई। क्या लिखा मैडम, क्या लिखा है, क्या किसका कौन शिकार बनने वाला है, मतलब भाई पे क्या, कब शिकार होने वाला, क्या होने वाला, क्यों शिकार बनने वाला है? अबे रुक जा यार, पढ़ने तो दे, मन्ने आगे की हो लो। अबे यो कौन है? अबे गोलू। अबे ये गोलू का, ये किसने करा इसका मेकअप ऐसा? इसने अपने आप किया है जी। यो माँ लग रहा है मारी। मेरी सोचो जी, मेरी तो बीवी हुई है। वाव। शीला डार्लिंग, अमित तमाक के बालो बाशी। सर सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं ज्यादा कहाँ हो रहा है मिश्रा, हम तो कैरेक्टर में घुस रहे हैं। अमित तमाक के हमें गाना अच्छा लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि आए ओ ओ ओ ओ ओ ओ चाय चाय पीजिए ना आप, हम अपने हाथों से आपके लिए चाय बना कर लाए, पीजिए। और जला भी लिया होगा। आपको कैसे मालूम? मन ने सब बेरा है सर। सर आप प्लीज हमारे लिए कुछ ना बनाया करिए, हाथ आपका जलता है, तकलीफ मन ने होती है। बस ये सुनकर ना हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। आए बे, आए नहीं बे, चाय मिश्रा चाय पीजिए ना आप, ये टाइम मिला। अबे अबे ये कौन है बे? पंचन कौन? गोलू है सर। तो ये क्या है बे, ये क्या चीज बन के आई है? अच्छी है सर चाय। चाय अच्छी है ना? चल हट। वेल सर, मॉम के लिए चाय, क्या हम खाएं हवा इस दा, हसीना है अगर दर्द है तो मैं हूं दवा इस दा। चुप रहिए आप। मैडम प्लीज बताइए ना क्या होने वाला है भाई के साथ में, मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है मैडम, बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ चलो भाई आगे सुनो। शीला का भाई सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड लेने मार्केट जाता है, और वहीं एक लड़की उसकी पिटाई कर देती है। ओ बिल्लू। तो रोज रोज ब्रेड खाना जरूरी थोड़ी ना है मैडम, कभी कभी पराठे भी खाने चाहिए। कल हम लोग पराठे खाएंगे, मैं ब्रेड लेने जाऊंगा ही नहीं बाहर। तू जाएगा और जरूर जाएगा।